और अब बढ़ते आगे सीओपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। लखनऊ हुड़दंग के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। डीसीपी एडीसीपी एसीपी को हटाया गया है। सीएम योगी हुड़दंग की घटना पर सख्त दिख रहे हैं। गोमती नगर थाना प्रभारी निलंबित हुए। एसएचओ चौकी इंचार्ज सस्पेंड किए गए हैं। चौकी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब तक 4 हुड़दंगी गिरफ्तार किए गए हैं। सीएम योगी ने दिए सख्त एक्शन के आदेश। एफआईआर में छेड़खानी की धारा 74 जोड़ी गई है। धारा 191, 235, 285 में दर्ज की गई है एफआईआर। डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह हटाए गए हैं। एडीसीपी अमित कुमावत भी हटाए गए हैं। एसीपी अंशु जैन को भी हटाया गया है। थाना प्रभारी दीपक कुमार पांडे निलंबित कर दिए गए हैं। चौकी इंचार्ज ऋषि वेग को भी सस्पेंड किया गया है। दारोगा कपिल कुमार भी निलंबित हुए हैं। इसके अलावा सिपाही धर्मवीर वीरेंद्र कुमार भी सस्पेंड किए गए हैं। तो लखनऊ हुड़दंग मामले में बड़ा एक्शन हुआ। अब तक 4 हुड़दंगी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, सीएम ने सख्त आदेश इस पूरे मामले में दिए हैं और बड़ी कार्रवाई ऑफिसर्स पर यहां पर की गई है। एसएचओ चौकी इंचार्ज एडीसीपी एसीपी तमाम लोगों को सस्पेंड किया गया है। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। चौकी में मौजूद यूपी उत्तराखंड की खबर है, प्रमुखता से खबर हमने दिखाई है आपको बीते दिन भी। और अब इसका असर होते हुए इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। छेड़खानी का भी मामला यहां पर दर्ज कर लिया गया है। धारा 74 यहां पर लगाई गई है। बराफ लिया गया है जिनकी लापरवाही देखने को मिली है और अब सस्पेंशन की कार्रवाई उनके खिलाफ कर दी गई है। तो 4 हुड़दंगी हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सीएम ने सख्त आदेश दिए थे इस पूरे मामले में। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और उनके खिलाफ ये एक्शन यहां पर हुआ है। तो खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने प्रमुखता से खबर उठाई थी जिसके बाद अब इस खबर को लेकर एक्शन बड़ा सरकार की तरफ से हुआ है। ये बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं और ऐसे में ऑफिसर्स पर कार्रवाई की गई है। यहां पर डीसीपी एडीसीपी एसीपी को हटा दिया गया है, सस्पेंड किया गया है। चौकी प्रभारी को एसएचओ को सस्पेंशन की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। और इस वक्त हमारे साथ विशाल और तुषार दोनों ही सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, बड़ा एक्शन यहां पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रमुखता से खबर दिखा रहा था और अब बताया जा रहा है अधिकारियों पर गाज गिरी है, सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। देखिए बिल्कुल ये तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है और लगातार दी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये खबर दिखा रहा था और ये भी बता रहा था कि कौन कौन इसमें लापरवाही किया है। क्योंकि देखिए इतनी बड़ी घटना हो जाती है और सबसे बड़ी बात है कि एफआईआर दर्ज करने में हिला हवाली की जाती है। एफआईआर दर्ज करते वक्त छेड़खानी का जो जिक्र है वो नहीं किया जाता है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा एक्शन किया गया है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। डीसीपी हो एसीपी हो सभी को सस्पेंड किया गया है। चूँकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। क्योंकि लखनऊ के अंबेडकर पार्क के सामने का ये पूरा वाकया है जब कल तेज बारिश के वक्त इस तरह की छेड़खानी घटना हुई थी। तो ऐसे में सरकार को घेरने से पहले ही सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है ताकि सदन में इस बात की जो जवाब है वो दिया जा सके कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई। इसके साथ ही इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को जो है गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो फिलहाल जो ये एक्शन है इसमें अगर हम बात करते हैं तो तमाम जो मंत्री हैं अभी जेबीएस राठौर उनका क्या तौर पर कहना था कि हमने एक्शन लिया है और अभी और भी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार। बिल्कुल, यानी कि आगे भी कार्रवाई विशाल होगी। तुषार भी इस वक्त हमारे साथ बने, तुषार का भी एक बार हम रुक कर लेते हैं। तुषार, सीधे तौर पर कहा जाए तो साफ संदेश है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि छेड़खानी अगर की बहन बेटी पर अगर गलत नजर रखी तो फिर एक्शन होगा, चाहे फिर वो पुलिसकर्मी हो या फिर आम इंसान हो। लापरवाही जिस तरफ से भी होगी एक्शन जरूर लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अपराधियों के जीरो टॉलरेंस की नीति को के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ कमिश्नरेट के पूरी जोन में तैनात डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी अमित कुमावत और एसीपी अंशु जैन को हटा दिया है। इसके अलावा प्रभारी निरीक्षक गोमती नगर, चौकी इंचार्ज, साथी जो चौकी पर तैनात सभी सिपाही थे सबको निलंबित कर दिया। आपने कल जिस तरह से वीडियो देखा था, जिस तरह से मामला सामने आया था कि जलभराव हुआ था और जलभराव में 40 से 50 लड़के आकर लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, जो वहां से राहगीर जा रहे थे उनके साथ बदतमीजी करना, फैमिली के साथ बदतमीजी करना, गाड़ी खोलकर उसमें पानी डालना, इस तरह का हुड़दंग कर रहे थे। हालांकि कुछ देर बाद 1-2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने लाठी फटकारी थी और भगाया था, लेकिन उसके बाद भी जो लड़के थे वो वहां पर हुड़दंग करने से बाज नहीं आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई का आदेश दिया था कि सख्त कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ के पूर्वी जोन के जो पुलिस अधिकारी थे उनकी लापरवाही उस एफआईआर में देखने को मिली कि छेड़खानी हो रही थी, साफ साफ वीडियो साफ साफ दिख रहा था, बदतमीजी करते हुए दिख रहे थे, उसके बाद भी
छेड़खानी की एफआईआर न दर्ज करके हल्की धाराओं में यानी कि संक्रमण की धाराओं में सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई, जिससे कि जो अपराधी थे उनको आसानी से बेल मिल सके। संक्रमण की धाराओं में गिरफ्तारी नहीं होती है, बेल भी खड़े खड़े बेल मिल जाती है, उसमें जेल भी नहीं भेजा जाता है। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी बेहद नाराज हुए और नाराज होते हुए ये बड़ी कार्रवाई उन्होंने किया है कि इतनी बड़ी घटना हुई, घटना के बाद भी जो लापरवाह जो अधिकारी हैं वो लापरवाही दिखा रहे हैं और एफआईआर भी ठीक ढंग से दर्ज नहीं की जा रही है। यानी कि पुलिस की मंशा ही नहीं थी कि जो अपराधी थे जो वहाँ पे हुड़दंग कर रहे थे उन हुड़दंगियों को सख्त कार्रवाई की जाए, और पुलिस ने इसी में संक्रमण की धारा सिर्फ दर्ज की, छेड़खानी की दर्ज नहीं की। जब दबाव पड़ा मीडिया का, जब जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, तब उसके बाद इसमें छेड़खानी की धारा दर्ज की गई है और अब तक इसमें चार जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि चारों आरोपी अभी गोमतीनगर थाने मौजूद है, कुछ ही देर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की है, डीसीपी एडीसीपी एसीपी सबको हटा दिया है। इसके अलावा बड़ा एक्शन यहाँ पर हुआ, विशाल भी हमारे साथ बने, विशाल का भी एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। विशाल, लापरवाही जिस तरीके की पुलिस कर्मियों की तरफ से देखने को मिली है, छेड़छाड़ हुई बावजूद उसके, इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से हीला हवाली हुई है, ये एक बड़ा साफ साफ संदेश है कि अगर हीला हवाली आप इस तरीके के केस में बरतेंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन तुरंत लिया जाएगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो हीला हवाली की गई, खासतौर से जो पुलिस कर्मियों की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करने में लेकर जो कोताही बरती गई, इसके साथ साथ वहाँ पर मौके पर जब इस तरह का वीडियो सामने आया, उसके बाद भले ही पुलिसकर्मी जो है, दो पुलिसकर्मी जरूर पहुँचे थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर हुडंगी जो है हुडंग कर रहे थे, और करीब ये आधे से एक घंटे का वक्त नहीं था, करीब दो से ढाई घंटे तक लगातार कुछ इसी तरह का दृश्य जो है देखने को मिला वहाँ पर। ये तो एक जो वीडियो कैद हुआ मोबाइल में उसकी वानगी थी, लेकिन वहाँ पर जो तमाम लोग आ जा रहे थे उनको बहुत परेशान हुई, लगातार बिल्कुल विशाल दिक्कतें सभी लोगों के लिए थी, लेकिन अब एक्शन लिया गया है तो जाहिर तौर पर बड़ी कार्रवाई जो है वो आगे देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका विशाल। तुषार, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के